मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के प्रमुख नेतागण और मित्रों, सर्वप्रथम आज के इस अवसर पर मैं आडवाणी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। आडवाणी जी के संबंध में मुझे कई वर्षों से, कहूँ कई दशकों से, हम सबको नज़दीकी से देखना, उनको समझना और अब उनका विश्लेषण करना, ये अवसर हम लोगों को अक्सर आता है। आडवाणी जी थकते नहीं, मेहनत करते हैं। आडवाणी जी के स्वभाव में एक अपने प्रकार की शालीनता है। वो एक प्रकार से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए रोल मॉडल हैं। ये विषय बार बार हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं केवल एक पक्ष पे, जो पिछले 40 वर्षों में मैंने उनके संदर्भ और उनके राजनीतिक जीवन के संदर्भ में देखा है, कि किसी भी विषय को ले लेना और उस तर्क को आगे बढ़ाना और फिर उस राजनीतिक तर्क की स्वीकृति केवल पार्टी में नहीं लेकिन पूरे देश और समाज में हो जाए, जो क्षमता वो उनकी है, शायद इस युग और इस पीढ़ी के राजनीतिक नेताओं में बहुत कम है। मैंने सन 70 के आरंभ के दशक में, पहले वो जनसंघ के महामंत्री थे, फिर जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोग विद्यार्थी जीवन में कार्यकर्ता थे, उस वक्त पहले गुजरात का फिर बिहार का आंदोलन चला, जयप्रकाश जी आए, तो भ्रष्टाचार के विषय को लेकर जिस प्रकार से वो अपना तर्क बनाते थे, इमरजेंसी लगी तो मुझे याद है कि हम लोग जब जेलों में थे तो कई अंडरग्राउंड लिटरेचर जेल तक पहुंचते थे हम लोगों तक, एक बुकलेट हम लोगों तक पहुंची इमरजेंसी के दौरान, और वो बुकलेट थी कि एक प्रकार से बुक रिव्यू लिखा है आडवाणी जी ने, और हिटलर के जमाने में एक पुस्तक छपी थी, द राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रीश, विलियम शिरर की, और उसका जो बुक रिव्यू लिखा उसका शीर्षक था कि अ टेल ऑफ टू इमरजेंसीज। और सन 30 के दशक में जर्मनी में क्या हुआ और सन 70 के दशक में भारत में क्या हो रहा है, उसकी एक कंपैरेटिव अध्ययन था। जो बुकलेट हम लोगों तक पहुंची उसमें लेखक कौन है इसका नाम नहीं लिखा था, लेकिन एक प्रकार से वो ऐसी पुस्तक थी, उसको पढ़ने के बाद, मैं तो विद्यार्थी था तो मेरी स्वाभाविक इच्छा हुई कि मैं विलियम शिरर की पुस्तक मंगवाऊं। मैंने मंगवाई, काफी मोटी पुस्तक थी, कुछ 2-1 महीने लगे मुझे उसका अध्ययन करने में, लेकिन शायद इमरजेंसी के उस साहित्य के बारे में हम लोग सोचते हैं और उसमें से जो विचार उभरता था, जो 1-2 सबसे प्रभावी लेख या पुस्तकें थी, एक ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट होती थी पत्रिका, उसके संपादक ने अपना क्लोजर एक संपादकीय लिखा था, एक शंकर वीकली में क्लोजिंग का एडिटोरियल था और एक ही आडवाणी जी की पुस्तिका, शायद आडवाणी जी की एक पुस्तक के अंत में अपेंडिक्स के रूप में वो है, जो उस वक्त इमरजेंसी में पुस्तक लिखी थी उसके बाद इन्होंने। उसके बाद मैंने कई बार देखा, जब भारतीय जनता पार्टी बनी, हम बहुत कमजोर हो गए, 2 सदस्य आए, पार्टी को खड़ा करने के लिए कैंपेन कैसे करना है। मैं मानता हूं कि हमारी मूल विचारधारा का जिस प्रकार से आधुनिक भाषा के अंदर मॉडर्न ईडियम में फॉर्मुलेशन हुआ उस वक्त, और एक प्रकार से नई ऊर्जा पूरी हमारे वैचारिक आंदोलन में आई। सन 90 में मुझे याद है, पता नहीं आडवाणी जी को स्मरण है कि नहीं, कि दिल्ली में कुछ युवा उद्योगपति 300-400, उन्होंने आडवाणी जी को आमंत्रित किया बोलने के लिए,
और मैं उनके साथ गया, द रोल ऑफ राम इन इंडियन पॉलिटिक्स, तो 20-22 साल पुरानी घटना है। तो मैं कई बार सोचता रहा रास्ते में अडवाणी जी के साथ जाते हुए कि बहुत कठिन शब्द है इस विषय को फॉर्मुलेट करना, लेकिन जिस प्रकार से वो फॉर्मुलेशन हुआ और घंटों तक प्रश्न उत्तर चर्चा चलती रही और उसमें से अपनी विचारधारा को उभार कर सामने ले आना। द भारतीय जनता पार्टी इज अ डिस्टिंक्ट पोल, हम केवल किसी गठबंधन में पीछे लग जाएंगे ऐसा नहीं होगा, हम आगे आकर एक अलायंस को लीड करेंगे। ये पूरी विचार 96 में संभव नहीं था, उसके बाद संभव हुआ। सरकार में तहे तो जो पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर एम्फोसिस, और एक प्रकार से हम सबकी जो हमारे पूरे वैचारिक आंदोलन की एक विचारधारा, उसमें से राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद के संबंध में निकली। भ्रष्टाचार, फॉरेन बैंक अकाउंट्स, कितने ऐसे अभियान हैं जिनको ले लेना और फिर उसको राष्ट्रीय चिंतन का एक अंग बना देना। मैं मानता हूं कि ये शायद निश्चित रूप से कई विषय आपके राजेंद्र जी विशेषांक में आए होंगे, लेकिन अगर कोई छूटा है तो जो आगे वाले अंकों में आएंगे, तो ऐसे कितने अभियान हैं जिसमें बहस को आगे बढ़ाने में योगदान रहा माननीय अडवाणी जी का, मैं शायद उसको सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि मानता हूँ। अडवाणी जी का हार्दिक अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।